नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जलवायु का वर्गीकरण, जिसका ये छठा भाग है। जलवायु वर्गीकरण में हम कुपीन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जैसा कि हम जानते हैं, कोपेन ने ए बी सी और डी ई ये पांच जलवायु प्रकार कोपेन के द्वारा बांटे गए हैं। ये कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त डब्ल्यू एस एफ के एच ये स्मॉल लेटर का प्रयोग मुख्यतः इनके द्वारा किया गया है। जिनका हमने बी प्रकार की जलवायु है, दो नंबर पर जो बी प्रकार की जलवायु हमने पढ़ ली थी, बी प्रकार की जलवायु में दो प्रकार हैं वो बांटे जाते हैं, जिसमें तापमान के आधार पर या वर्षा के आधार पर अलग अलग बांटे जाते हैं। दो प्रकार हमने वर्षा के आधार पर, जिसमें बी डब्ल्यू शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पढ़ा, दूसरा बी एस अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु हमने पढ़ी। इस प्रकार की जो जलवायु है उसके हमने अलग अलग पार्ट भी पढ़े थे, जिसमें बी डब्ल्यू एच बी डब्ल्यू के बी एस एच बी डब्ल्यू बी एस एच बी एस के ये जलवायु, चार जलवायु प्रकार है वो तापमान के आधार पर भी हमने पढ़े थे। जैसे बी डब्ल्यू के जलवायु है, बी डब्ल्यू एस बी एस एच है, बी डब्ल्यू के ये उष्णकटिबंधीय शुष्क गर्म जलवायु को, उष्णकटिबंधीय शुष्क गर्म जलवायु को प्रदर्शित करता है। एच जहाँ पर प्रयोग में किया गया है वो तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर रहेगा, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तापमान प्लस रहेगा तो एच का प्रयोग किया जाएगा, और तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम जहाँ पर रहेगा वहाँ पर के का प्रयोग किया जाएगा। ये उष्णकटिबंधीय, ये शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु इसको हम कह सकते हैं, या मध्य अक्षांशीय शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु इसको कहा जा सकता है। बी एस एच है वह उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु है, और ये मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क जलवायु इसको हम कह सकते हैं, या शीत अर्ध शुष्क जलवायु इसको कहा जा सकता है। तो ये प्रकार हमने जो शुष्क मरुस्थलीय या बी प्रकार की जलवायु है उसमें पढ़ लिए थे। अब तीन नंबर पर आता है सी प्रकार की जलवायु, सी जलवायु समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु जिसको कहते हैं। नंबर तीन सी जलवायु, इसको हम कह सकते हैं समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, या इसको हम कह सकते हैं शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु आप इसका नाम याद रख सकते हैं, समशीतोष्ण या शीतोष्ण जलवायु इसको हम नाम हम याद रख सकते हैं, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। इसके अलावा इसको वार्म टेम्परेट रेनी क्लाइमेट भी इसको कहा जाता है, यानी गर्म समशीतोष्ण गर्म समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी इसको कहते हैं। लेकिन आप शीतोष्ण जलवायु याद रखें, सी से शीतोष्ण जलवायु आप याद रखेंगे, बाकी आसानी से इसके अन्य प्रकार या अन्य नाम है वो समझे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं। इस प्रकार की जलवायु में सबसे जो ठंडे महीने का तापमान है वो 13 डिग्री सेल्सियस से कम परंतु 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। सबसे ठंडे महीने का तापमान
13 डिग्री सेल्सियस से कम तथा माइनस 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड या शीत जितनी ठंड इसमें नहीं होती। शीतोष्ण है ये, शीत भी होती है उष्ण भी, यानी यहाँ पर दो स्पष्ट ऋतुएं हम दे सकते हैं, उष्ण भी यानी गर्मी भी यहाँ पर पड़ती है और सर्दी भी यहाँ पर पड़ती है। सबसे ठंडा जो महीना होता है उसका तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से तो कम होता है लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ही ऊपर रहता है। इसके अलावा मौसमी जो वितरण है वर्षा का, उसके आधार पर हम इसको अलग अलग प्रकारों में भी बांट सकते हैं। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, यानी वर्ष के कौन से महीनों में वर्षा होती है या इसमें इस प्रकार की जलवायु यानी इसी प्रकार की जलवायु में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्ष भर वर्षा हो सकती है तो उनको अलग भागों में रखा जाएगा। कुछ स्थान ऐसे होंगे जहाँ पर वर्ष के एक खास मौसम में या कुछ महीनों में वर्षा होती है उसको अलग प्रकार में रखेंगे। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर वर्षा है शीत ऋतु में होगी तो उनको अलग प्रकार में और ग्रीष्म ऋतु में होगी तो अलग प्रकार में उसको रखा जाएगा। तो इससे इसके अलग अलग प्रकार हैं, वो वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर हम बांट सकते हैं। तो वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इस प्रकार की जो जलवायु है उसके अलग अलग प्रकार हैं वो बांटे गए हैं। जैसे सबसे पहले CF जलवायु, तो शीतोष्ण आर्द्र जलवायु है। इसके हम प्रकार देखते हैं, इसी प्रकार की जो जलवायु है सबसे पहले नंबर एक CF जलवायु। F का प्रयोग हमने क्यों किया था वो आप सिंबल से याद रखें। F किसके लिए काम में लिया जाता है, वर्ष भर वर्षा। वर्षा यानी जिन भागों में वर्ष भर वर्षा होती है उसे कौन से में जलवायु में सम्मिलित किया जाएगा, यानी ऐसे समशीतोष्ण प्रदेश जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है वो कैसे जलवायु में आएंगी, CF प्रकार की जलवायु में आएगी, यानी वर्ष भर वर्षा वाली शीतोष्ण जलवायु हम इसको कह सकते हैं। इसका नामकरण करें तो क्या हो सकता है, वर्ष भर वर्षा वाली समशीतोष्ण जलवायु, क्योंकि F वर्ष भर वर्षा को प्रदर्शित करता है न्यूनतम वर्षा माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक, वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है, न्यूनतम वर्षा भी अगर कहीं महीने में होती है तो वर्ष भर वर्षा इसमें होती रहती है। CF प्रकार की जो जलवायु है वर्ष भर वर्षा इसमें होती है। अब यहाँ पर इसका तो 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, न्यूनतम जो वर्षा थी उसको 6 सेंटीमीटर से अधिक हमने F में पढ़ा था। F प्रकार की जहाँ जलवायु होती है वहाँ पर वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर अवश्य होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है कि वर्षा है वो सूसकतम महीने में भी 3 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यानी 3 से 6 सेंटीमीटर वर्ष भर वर्षा सूसकतम महीने में वर्षा 3 से 6 सेंटीमीटर अवश्य होती है। तो ये इसकी विशेषता होगी कि सूसकतम महीना जो है वर्ष का, यानी जिसमें सबसे कम वर्षा जिस महीने में होती है उसमें भी इस प्रकार की या CF प्रकार की जो जलवायु वर्ष वर्षा वाली समशीतोष्ण जलवायु है उसमें वर्षा सूसकतम महीने में भी 3 से 6 सेंटीमीटर है वो अवश्य है होगी। इसके बाद में इस प्रकार की जो जलवायु है वो किससे हम संबंधित कर सकते हैं, पश्चिमी यूरोप तुल्य जो जलवायु होती है, यानी पश्चिमी यूरोप में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य
जलवायु को इसमें सम्मिलित करते हैं। तो पश्चिमी यूरोप तुल्य जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु में आती है, CF। तो CF से आप याद रख सकते हैं, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है वो CF प्रकार की जलवायु होती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को इसी में सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें वर्ष भर वर्षा होती है, शुष्कतम महीने में वर्षा 3 से 6 सेंटीमीटर अवश्य होती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है वो इसी में सम्मिलित करते हैं। तो ये CF प्रकार की जलवायु हो गई, सी प्रकार की जलवायु में पहला प्रकार। उसके बाद में नंबर दो इसमें आती है CW जलवायु। अब सबसे पहले मैं ये बताना, सी शीतोष्ण के लिए काम में आता है। W का प्रयोग स्मॉल लेटर में या लोअर लेटर में किस लिए किया गया है, शुष्क शीत ऋतु। शुष्क शीत ऋतु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लोअर लेटर में W का प्रयोग किया गया है शुष्क शीत ऋतु को प्रदर्शित करने के लिए। तो CW किस प्रकार की जलवायु है, शीतकाल शुष्क होता है, इसमें इस प्रकार की जलवायु है, इसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। जैसे हमारे जो मैदानी भाग है या गंगा का मैदानी भाग है उसमें विशेषतः जलवायु पाई जाती है वो CW प्रकार की होती है। उसमें जी वो गंगा का मैदान के लिए विशेषतः प्रयोग में लिया जाता है जब भारत का वर्गीकरण जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार करते हैं, लेकिन CW है वो भारत के गंगा के मैदान वाली जो जलवायु है उसको प्रदर्शित सही रूप में प्रदर्शित करता है। शीतकाल में शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्म काल में जो सबसे आर्द्र महीना होता है उसमें 10 गुनी आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है। यानी शीतकाल का जो शुष्कतम महीना होता है शीतकाल के शुष्कतम महीने की तुलना में ग्रीष्म काल के सबसे आर्द्र महीने में 10 गुना अधिक वर्षा होती है। यानी शीतकाल में जो सबसे शुष्कतम महीना होता है जिसमें बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, मान लीजिए उसमें अगर 1 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है तो उसकी तुलना में ग्रीष्म काल का जो सबसे आर्द्र महीना है उसमें 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी उससे 10 गुनी ज़्यादा वर्षा उस महीने में होती है जब शीतकाल में शुष्क महीना होता है उसकी तुलना में CW प्रकार की जलवायु में। इस प्रकार की जलवायु विशेषतः चीन तुल्य जो जलवायु होती है वो इसमें सम्मिलित की जाती है। चीन तुल्य जलवायु को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी जिन प्रदेशों में चीन के जैसी जलवायु पाई जाती है, चीन में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उस प्रकार के जलवायु वाले प्रदेशों को कौन सी जलवायु में सम्मिलित किया जाता है, CW में। और CF है वो कौन सी में, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में उसको सम्मिलित किया जाता है। अब इसका तीसरा प्रकार हम देखते हैं। दो प्रकार हो गए, CF और CW। CW अर्थात शुष्क शीत ऋतु वाली समशीतोष्ण जलवायु हम कह सकते हैं, शुष्क शीत ऋतु वाली समशीतोष्ण जलवायु इसका नाम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये दो इसमें वर्षा के आधार पर हमने वर्षा का जो मौसमी वितरण है उसके आधार पर प्रकार हमने बांटे, एक तो वर्ष भर वर्षा वाला, एक शीत ऋतु में शुष्कता वाला, यानी शीत ऋतु में जिसमें वर्षा ना हो, केवल ग्रीष्म ऋतु में जिसमें वर्षा होती है। नंबर 3 इसमें आता है CS।
सी एस प्रकार जो है या सी एस जलवायु जो है वो इसका तीसरा प्रकार है। सी एस, एस का प्रयोग स्मॉल या लोअर लेटर में एस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु के लिए हमने लोअर लेटर में एस का प्रयोग किया था। मैंने आपको इसका कारण बताया था भी एस का प्रयोग है वो कहाँ किया जाएगा इन अक्षरों के साथ में, तो सी के साथ एस या किसी भी के साथ एस का प्रयोग हुआ है स्मॉल या लोअर लेटर में एस का जहाँ पर प्रयोग हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु। तो हम ये कह सकते हैं इसका नाम क्या होगा? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली समशीतोष्ण जलवायु, अर्थात ग्रीष्म काल शुष्क रहता है, यानी ग्रीष्म काल में इस प्रकार की जलवायु में वर्षा नहीं होती है। ग्रीष्म काल क्या रहता है? शुष्क रहता है। ग्रीष्म काल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीतकाल का जो सबसे आर्द्र महीना होता है उसमें तीन गुना वर्षा होती है। ग्रीष्म काल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीतकाल के आर्द्रतम महीने में तीन गुना अधिक वर्षा। सी डब्ल्यू में हमने देखा था कि ग्रीष्म काल में शीतकाल के शुष्कतम महीने की तुलना में ग्रीष्म काल के आर्द्रतम महीने में 10 गुने वर्षा हो रही थी, लेकिन सी एस जलवायु क्या कहती है कि ग्रीष्म काल का जो शुष्कतम महीना होता है जिसमें वर्षा नहीं होती है उसमें की तुलना में शीतकाल का जो आर्द्रतम महीना यानी जिसमें सर्वाधिक वर्षा हो रही है उसमें तीन गुना वर्षा इसकी तुलना में होती है। यानी ग्रीष्म काल के शुष्कतम महीने की तुलना में शीतकाल के आर्द्रतम महीने में तीन गुना ज़्यादा वर्षा होती है। यानी इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म काल शुष्क होता है लेकिन शीतकाल में वर्षा होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं इस प्रकार की जो वर्षा होती है वह कौन से में आती है? ये सी एस प्रकार की जलवायु किसको प्रदर्शित करेगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। रूम सागरीय जलवायु किसको प्रदर्शित करती है? इस प्रकार की जलवायु जलवायु में रूम सागरीय जलवायु को सम्मिलित किया जाता है। जो रूम सागरीय जलवायु है वो इस प्रकार की जलवायु में सम्मिलित होती है। रूम सागरीय जलवायु या हम इसको क्या कह सकते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आती है? सी एस प्रकार की जो जलवायु है उसको हम भूमध्य सागरीय जलवायु कह सकते हैं, रूम सागरीय जलवायु कह सकते हैं। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म काल शुष्क रहता है और शीतकाल में वर्षा है वो होती है, और शीतकाल में ग्रीष्म काल के शुष्कतम महीने की तुलना में ग्रीष्म काल का जो शुष्कतम महीना है उसकी तुलना में शीतकाल के आर्द्रतम महीने में तीन गुना से अधिक वर्षा अधिक होती है, या इसे हम ये कह सकते हैं इसके अलावा 3 सेंटीमीटर से अब ग्रीष्म काल का जो शुष्कतम महीना जो होता है उसमें जो वर्षा होती है वो 3 सेंटीमीटर से कम इसमें होती है। तो ये इस प्रकार तीन इसके हमने प्रकार देखे। सी एफ जलवायु वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु है जो कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कह सकते हैं। सी डब्ल्यू जो कि शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु है जिसको चीन तुल्य जलवायु में सम्मिलित किया जा सकता है। सी एस जिसको भूमध्य सागरीय जलवायु या रूम सागरीय जलवायु कहा जाता है जिसमें शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल क्या रहता है? शुष्क रहता है। तो ये तीन मुख्य प्रकार
सी एस प्रकार की जलवायु के बांटे जा सकते हैं। ये वर्षा के वितरण के आधार पर हमने तीन प्रकार इसके बांटे हैं, ए बी सी डी ई के साथ में हमने जो ये सिंबल हैं डब्ल्यू लोअर लेटर में विशेषता है डब्ल्यू एस एफ के और एच, इनका भी आप ध्यान रखें किसका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है। इसके साथ में यहाँ पर इसके साथ में लोअर लेटर में ए का भी प्रयोग किया जाता है जिसमें उष्ण ग्रीष्म काल होता है, जिसमें उष्णतम महीने का तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक हो तो उसके लिए लोअर लेटर में ए का प्रयोग किया जाता है 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ये केवल सी के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। तो लोअर लेटर में अगर ए लिखा हुआ है यानी उष्णतम ग्रीष्म काल होगा जिसका ग्रीष्म काल का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस के से भी ज़्यादा होगा। अगर बी लिखा हुआ है तो सर्द ग्रीष्म काल होगा जिसमें उष्णतम महीने का तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ये सर्द ग्रीष्म काल होगा से कम। बी जहाँ पर दिया हुआ अगर मिल जाए तो ये क्या है सर्द ग्रीष्म काल यानी ग्रीष्म काल का सर्वाधिक तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। ये कुछ से इसके साथ में प्रयोग में किए जाते हैं। अगर सी का प्रयोग करें, सी के साथ में समोल सी का प्रयोग किया जाए, सी के साथ में समोल लेटर में अगर सी का प्रयोग किया जाता है तो उसका क्या होगा सर्द एवं लघु ग्रीष्म काल जिसमें 4 महीने से कम समय ऐसा होगा जहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, ये क्या होता है लघु ग्रीष्म काल होगा, लघु सर्द ग्रीष्म काल इसको हम कह सकते हैं। 4 महीने से कम समय ऐसा होगा जहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होगा। तो इस प्रकार से हमने ये जो सी प्रकार की जलवायु है उसके वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर तीन प्रकार हैं वो हमने पढ़े, जिसमें सी एफ सी डब्ल्यू और सी एस। तो ये सी प्रकार की जलवायु होगी। अगली डी प्रकार की जलवायु के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।